कटनी महासंघ के आह्वान पर क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा के बाद कटनी निर्माणी मजदूर संघ ने अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में निर्माणी के महिला पुरुष कर्मचारियों की उपस्थिति रही। आपको बता दें, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश जैन के माध्यम से यह ज्ञापन सौंपा गया। निर्माणी के कर्मचारी व मजदूर संघ के नेताओं ने अव्वल तो देश की सुरक्षा के साजो सामान निर्मित करने वाले आयुध कारखानों को निगमीकृत किए जाने पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया है, क्योंकि इस कदम से देश की सुरक्षा निश्चित खतरे में पड़ जाएगी। बावजूद इसके यदि सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रहती है तो संघ के नेताओं ने भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों से देश की सभी निर्माणियों, आयुध उपस्कर निर्माणियों सहित रक्षा उत्पादन से संबंधित समस्त इकाइयों में आगामी 12 अक्टूबर 2020 से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल का खुलकर समर्थन करने का अनुरोध किया है। इसी तारतम्य में खजुराहो लोकसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को उनके एक दिनी कटनी प्रवास पर ज्ञापन सौंपा गया था। इसी क्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री जैन के निवासी पर पहुंचकर निर्माणी के सैकड़ों महिला एवं पुरुष कर्मचारियों ने कांग्रेस के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के नाम ज्ञापन सुपुर्द किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री जैन ने केंद्र सरकार के इस निजीकरण और निगमीकृत कदम को गैर जिम्मेदाराना और देश को बर्बाद करने जैसा निरूपित करते हुए सौंपे गए ज्ञापन को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने और निर्माणी के आंदोलनों में अपनी पूर्ण सहभागिता की वचनबद्धता दोहराई। ज्ञापन के दौरान जेसीएम तृतीय शिव पांडे, पंकज चौधरी, संजय तिवारी, नारायण लाल कोरी आदि सहित निर्माणी के अनेक महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की उपस्थिति रही। मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया भी जीवित है। और मैं कहता हूँ कि आप जीवित रहो मेरे साथियों, नहीं तो ये कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।